मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद संग्राम। बरसात के मौसम में बाइक राइड करके हम लोग आए हैं आज दार्जिलिंग के एक ऑपिंट विलेज चटकपुर। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे चटकपुर का वीडियो, उसके साथ साथ किस तरह से बाइक राइड करके हम लोग यहाँ तक आए हैं ये पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सुबह 5:30 बजे हम लोगों का बैकपैक बाइक में सेट करके अलीपुरद्वार से हम लोग रवाना हुए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव चटकपुर जाने के लिए। नेशनल हाईवे से 130 किलोमीटर राइड करने के बाद हम लोग उदलाबारी में रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। आफ्टर ईटिंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन। अलीपुरद्वार से चटकपुर का डिस्टेंस होगा 200 किलोमीटर के आसपास, और आप लोग अगर एनजीपी या सिलीगुड़ी से आएंगे तो वहां से चटकपुर का डिस्टेंस होगा 65-70 किलोमीटर। सेवक करनेशन ब्रिज को क्रॉस करके राइट टर्न लेकर हम लोग तीस्ता बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, नीचे तीस्ता रिवर है लेकिन क्लाउड की वजह से रिवर का पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तीस्ता बाजार से थोड़ा आगे हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया, पेशक मंगपो और रिम्बी बाजार रोड होकर 3 माइल तक जाने के लिए। बारिश के मौसम में पहाड़ी रास्तों में बाइक राइडिंग करने का मजा ही कुछ और है। चलते चलते थोड़ा रेस्ट, फिर से राइडिंग शुरू। बारिश में पहाड़ों में बाइक राइडिंग करने का कोई एक्सपीरियंस आप लोगों का भी है तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज। रास्ते में चलते चलते जिस जगह को पसंद आ रहा था हम लोग रुक कर उस जगह का मजा ले रहे थे। बारिश और क्लाउड की वजह से ज्यादा दूर तक क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही राइड करते करते हम लोग पहुंच गए 3rd mile चेक पोस्ट में। चेक पोस्ट के पीछे ही एक फास्ट फूड का दुकान है जहां पर मोमो और चिकन लॉलीपॉप बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। आप लोग जब इधर आएंगे तो इस दुकान का मोमो और चिकन लॉलीपॉप टेस्ट करना मत भूलिएगा। हम लोग जंप कर पेट पूजा करने के बाद 3rd mile फॉरेस्ट चेकपोस्ट से टिकट बनाया चटकपुर जाने के लिए। यहाँ पर बाइक और कार के लिए 400 और पर पर्सन 120 रुपीस देना पड़ता है। इस 3rd mile फॉरेस्ट चेकपोस्ट से चटकपुर तक 11 किलोमीटर रास्ता सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घना जंगल के अंदर से जाते हैं। आगे का वीडियो देखने से आप लोग समझ जाएंगे ये 11 किलोमीटर रास्ता कितना ऑफ रोड है।
आप लोग अगर इस ऑफ रोड को एवॉइड करना चाहते हैं तो थर्ड माइल को एवॉइड करके आप लोग सोनादा होकर चटकपुर आ सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑफ रोड में राइडिंग का मजा लेने के लिए जानबूझकर इस रास्ते से आए हैं। चटकपुर गांव के सीमा पर एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट मिलेगा। यहां पर नीचे का रास्ता जाते हैं लोअर चटकपुर, हम लोग ऊपर के रास्ते से जाएंगे अपर चटकपुर। यहां पर रास्ता पूरा खराब और अप हिल है। फाइनली हम लोग पहुंच गए चटकपुर विलेज। बादल के कारण गांव को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग चटकपुर विलेज के टॉप में एक होमस्टे में रुके थे। होमस्टे का नाम है शेरपाज होमस्टे। वेदर क्लियर होने पर अपर चटकपुर से कंचनजंगा का व्यू बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। ये है हम लोगों का होमस्टे। नीट एंड क्लीन स्टैंडर्ड रूम है और यहाँ के खाना भी अच्छा है। होमस्टे का डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। शेरपास होमस्टे के पीछे ही 5 मिनट पैदल चल के हम लोग पहुंचे चटकपुर वॉच टावर में। यहां से चटकपुर और कंचनजंगा का व्यू बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन क्लाउड के वजह से अभी हम लोग को अच्छा व्यू नहीं मिला। इस गांव के सभी के घर रंग बिरंगे फूलों से सजे रहते हैं। चटकपुर के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। होमस्टे में इसी ऑर्गेनिक वेजिटेबल आपको खाने में मिल जाएगा। पहाड़ों की ढलानों पर छोटे छोटे घरों से बना है ये गांव। छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है ये गांव। और गांव के सभी घरों में होमस्टे का बंदोबस्त है। यदि आप शांत पहाड़ी गांव घूमने के लिए पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए चटकपुर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वेदर ठीक होने पर चटकपुर का व्यू कैसा होता है देखिए। करीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के लोअर चटकपुर में आप देख सकते हैं एक छोटा सा नेचुरल लेक। इसका नाम है काली पोखरी।
लूची और सब्जी से ब्रेकफास्ट करके अभी हम लोग निकल जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। अभी हम लोग चटनपुर से निकल रहा है, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा कौन सा जगह है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो अभी हम लोग पहले सोनादा तक जाएंगे, सोनादा से फिर से हम लोग तय करेंगे कि नेक्स्ट कहां पर जाएंगे, कहां पर आज नाइट स्टे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उस जगह का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए मेरे वीडियो।